मधुबनी में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में शिक्षक नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर कंधों पर बोरा ढोएंगे और गुजरात यूपी के बच्चे यहां आकर हम लोगों को पढ़ाएंगे। हजारों की संख्या में यूपी के और दूसरे राज्यों के बच्चे यहां शिक्षक बनकर पढ़ाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। बिहार वो राज्य है जहाँ पूरी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे और आज देखिए नीतीश कुमार के राज में पूरे बिहार को अनपढ़ बना दिया गया। ये नीतीश कुमार की दूरदर्शिता का आलम है कि हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में ठेला लगाएंगे और वहां के बच्चे यहां आकर नौकरी करेंगे। मधुबनी जिले के बासोपट्टी में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के करोड़ों बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और यूपी और मध्य प्रदेश के बच्चे यहां आकर शिक्षक बनेंगे। ये नीतीश कुमार की सोच है और उनकी नीतियों का परिणाम है। जिन शिक्षकों ने परीक्षा पास की उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, नियोजित शिक्षकों को सर्विस कंडीशन को बदला जा रहा है और नई नियुक्तियां हुई ही नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ लोग जो सीधे परीक्षा पास करके आए हैं उसमें एक बड़ी संख्या में वो बच्चे हैं जो बिहार के बाहर के हैं। मेरा ये कहना है कि 1,25,000 नियुक्ति पत्र देने का बिहार सरकार जो वादा कर रही है, ये ऐसा हो गया है कि पहले से सरकार में जो नौकरी कर रहे हैं उनको गांधी मैदान में बुलाकर नया नियुक्ति पत्र दे दीजिए और कहें कि सब लोगों को नौकरी दे दी। 1,25,000 में एक बड़ी संख्या उन बच्चों शिक्षकों की है जो पहले नौकरी में थे। दूसरा एक बड़ी संख्या उन बच्चों की है जो दूसरे राज्यों से आए हैं, वे बिहार के बच्चे नहीं है। कुछ हजार बच्चों को जरूर नौकरी मिली है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 1,25,000 में कितने नए लोगों को नौकरी मिली है, कितने बिहार के बच्चों को नौकरी मिली है और कितने बाहर के बच्चों को नौकरी मिली है। मधुबनी से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। शिक्षकों ने परीक्षा पास किया और उनको शिक्षक राज्य कर्मी के तौर पर दर्जा दिया जा रहा है तो ये सर्विस कंडीशन को बदला जा रहा है, नई नियुक्तियां नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग जो नया सीधे उसमें कम्पीट करके आए हैं उसमें एक बड़ी संख्या में वो बच्चे हैं जो बिहार के बाहर के हैं। तो मेरा ये कहना है कि 1,25,000 का नियुक्ति पत्र का जो सरकार दावा कर रही है, ये तो ऐसे हो गया कि पहले से सरकार में जो नौकरी कर रहा है उसी को बुलाकर गांधी मैदान में फिर से नया नियुक्ति पत्र दे दीजिए और कहिए कि हमने सब लोगों को नौकरी दे दी। 1,25,000 में एक बड़ी संख्या उन लोगों की है, उन बच्चों की है, उन शिक्षकों की है जो पहले से ही नौकरी में थे। दूसरा, एक बड़ी संख्या उन बच्चों की है जो दूसरे राज्यों से आए हैं, वो बिहार के बच्चे नहीं है। एक संख्या ऐसी है, कुछ लोगों को, कुछ हजार बच्चों को जरूर नौकरी मिली। सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि 1,25,000 में कितने नए लोगों को नौकरी मिली, कितने बिहार के बच्चों को नौकरी मिली और कितने बाहर के बच्चों को नौकरी मिली है। बिहार के करोड़ों बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और यूपी के, मध्य प्रदेश के लड़के आकर यहाँ शिक्षक बनेंगे, ये आपको नीतीश कुमार की सोच है और नीतीश कुमार के नीतियों का परिणाम है। हम लोग के बच्चे गुजरात में जाकर बोरा उठाएंगे और गुजरात यूपी के बच्चे आकर यहाँ पर पढ़ाएंगे हम लोगों को। अरे यही उसका असर तो आपको बता रहे हैं, हजारों की संख्या में यूपी के या दूसरे राज्यों के लड़के यहाँ शिक्षक बनकर काम करेंगे। हम लोग, ये वो राज्य है जहाँ पूरे दुनिया के लोग आते थे पढ़ने और आज नीतीश कुमार के राज्य में हम लोग को पूरा अनपढ़ बना दिया गया और अब हम लोग को पढ़ाने के लिए यूपी से लड़के आकर पढ़ाएंगे और हम लोग के बच्चे जाकर बोरा ढोएंगे, दूसरे जगह ठेला लगाएंगे। ये नीतीश कुमार की दूरदर्शिता का आलम है।